जनकपुर धामक मुख्य शक्तिपीठ रायदेवी मंदिर सहित शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर में प्रस्ताव चढ़ेबाक आ खोइच भरा वाला श्रद्धालु सबक भीड़ लागल अछि। बेलतोड़ी संपन्न भेला बाद रवि दिन से खोइच भरा वाला श्रद्धालु महिला सबक शक्तिपीठ में भीड़ लागल अछि। बेलतोड़ी संपन्न भेला बाद रवि दिन से खोइच भरा वाला श्रद्धालु महिला सबक शक्तिपीठ में भीड़ लागल शुरू भेल छे। एमर श्री रायदेवी मंदिर में लड्डू मिष्ठान परिकार तथा नरिवल सहित के प्रसाद चढ़ा वाला सबक से अत्यधिक भीड़ देखल गेल छे। रवि दिन मध्य रात से प्रसाद चढ़ा वाला सबक लंबा लाइन लागल अछि। मध्य रात से रायदेवी मंदिर में खोइच भरा सबक से बड़का लाइन देखल गेल छल। करीब 30,000 से बेसी गोटे प्रसाद चढ़ौने श्री महावीर युवा कमेटी के अनुमान है। अहू से बेसी महिला सब खोइच भरने अनुमान है। खोइच भराई संतान आ पति के जीवन रक्षा के लिए कैल जाए। फूलपाती के विधि संपन्न भेला बाद विवाहिता महिला दुर्गा भगवती के आगा सफा वस्त्र बिछा कर वही के ऊपर पान सुपारी नरवल चेनूर चूड़ी सिंगार के सामान सब नैवेद्य लाल चुनरी सहित के विधि सामान सब राखि कर खोइच भरबाक परम्परा रहल छे। मिथिलांचल में नवविवाहिता के नैहरा से विदाई करैत काल अपन कुल देवता लगात संपूर्ण परिवार के आशीर्वाद स्वरूप खोइच भर के पठेबाक परम्परा रहल छै। तहिना माता दुर्गा भगवती के सेहो विवाहित महिला खोइच भर के आशीर्वाद लेबाक परम्परा चलैत आयल छै। शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर में फूलपाती बाद दुर्गा के प्रतिमा में आँख खुजला बाद खोइच भरत है। एमर सोम दिन बेड़िया 7:30 बाद रात देवी मंदिर में खसी प्रदान कैल जाए।